हाँ सर, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बात कर रहे हैं फास्ट ट्रैक क्लासेस की, 10 डेज की फास्ट ट्रैक क्लासेस के लिए। सबसे पहले जानिए इस क्लास को मैंने क्यों डिजाइन किया। देखिए, मेरे पास एक्सपर्ट लेवल की कोर्सेज है जो कि मैं पिछले 17-18 सालों से करते आ रहा हूं, लेकिन पिछले 3-4 महीने पहले हमें काफी कॉल्स आए कि सर मुझे इंटरव्यू देने जाना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आपका पूरा कोर्स कर सकूं। रिकॉर्डेड सेशन मैंने लूंगा क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन में मेरे पास बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो कि मैं नहीं पूछ पाऊँ। हालांकि मेरे पास रिकॉर्डेड सेशन भी होता है, लाइव सेशन भी होता है, दोनों सेशन। अब इसमें प्रॉब्लम आती है, तो मैंने उन्होंने एक मैंने काफी रिसर्च किए हैं, काफी इंटरव्यू के क्वेश्चंस और इंटरनेट वगैरह पे और काफी लोगों से बातचीत भी किया, और रिसर्च करके मैंने देखा और खुद मैं अपने 17 साल की वर्किंग लाइफ में जो चीजें इस्तेमाल किया सबको फिल्टर करके मैंने एक कार्यक्रम तैयार किया कि एक ऑफिस में काम करने वाला एम्प्लॉय, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में काम करता रहो, एक उनका थोड़ा या बहुत यूज करता हो, कम से कम इतना चीजें आनी चाहिए। और मैं सक्सेसफुली करीब 15-20 बैच कर चुका हूं और उसमें करीब 1000 या 1200 बच्चों को पढ़ाया मैंने टोटल, तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू को क्रैक कर लिया और पॉजिटिव रिजल्ट आया। ठीक है ना, जॉब भी कर रहे हैं, जॉब में बेटर आ रहा, तो एक सक्सेसफुल हो गया, तो इसको मैंने कंटिन्यू कर रहा हूं। तो इसमें जो चीजें है, पहला दिन जो कवर है वो कवर है आपका डेटा सिलेक्शन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एडवांस फॉर्मेटिंग, इसमें जैसे कि कस्टम फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, प्रोटेक्शंस, जो चीजें होती है एक डेटा फॉर्मेट करने के लिए। दूसरे दिन जो हम बात करेंगे सॉर्टिंग, फिल्टर और पिवट टेबल, इसमें कंप्लीट पिवट टेबल आएगा, इसमें पावर पिवट भी है, स्लाइसर, फिल्टर, कैलकुलेशन, पिवट टेबल कंप्लीट है, पिवट टेबल कहीं से भी कम या ज्यादा नहीं है। उसके बाद हम डे 3 में हम बात करेंगे डैशबोर्ड फॉर्मेट, चार्ट और डैशबोर्ड, पिवट टेबल और एक लाइव एग्जाम्पल हम यहाँ चार्ट्स का करेंगे। अब लाइव एग्जाम्पल में किस तरह का चार्ट कवर करेंगे तो मैं बताना चाहूंगा, मेरे पास चार्ट के है जो मैं कवर करूंगा इस कोर्स में। तो इस कोर्स में जो चार्ट कवर होगा आपका डैशबोर्ड पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, या ये जो डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, ये डैशबोर्ड इसी तरह का डैशबोर्ड हो सकता है कि यही डैशबोर्ड हो, बट सिमिलर दिस डैशबोर्ड। हम एक डेटा लेंगे, उस डेटा के ऊपर हम पिवट टेबल के जरिए एक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे जो कि डायनेमिक होगा। जैसे 2020 करेंगे तो 2020 का पार्ट आ जाएगा, 2021 करेंगे 2021 का पार्ट, एक डैशबोर्ड ओके, हम इसके साथ कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ये हमारा डे 3 में हुआ। फिर डे 4 हमारा फॉर्मूला शुरू होगा। डे 4 में हम सिर्फ लॉजिकल फॉर्मूला, इफ फॉर्मूला जो इससे रिलेटेड है, इफ हो गया, एंड हो गया, और हो गया, नेस्टेड इफ हो गया, इफ्स हो गया, इन फॉर्मूले के बारे में जिक्र करें क्योंकि ये जरूरी है। देखिए, जो जरूरी है उसमें उस दिन टॉपिक मिक्स नहीं है, जैसे पिवट टेबल जरूरी है तो पिवट टेबल पढ़ा रहा हूं, लॉजिकल फॉर्मूला जरूरी है तो लॉजिकल फॉर्मूला एक ही दिन में पढ़ा रहा हूं पूरा 1 घंटा, कोई टॉपिक मिक्स नहीं। डे 5 में मिक्स टॉपिक होगा, मिक्स फॉर्मूले, जैसे टेक्स्ट के फॉर्मूले, डेट के कुछ फॉर्मूले, टाइम के कुछ फॉर्मूले, रेफरेंस कुछ फॉर्मूले, कुछ रियल टाइम प्रॉब्लम से रिलेटेड जो फॉर्मूलेज है वो फॉर्मूलेज हम इसमें कवर करें। फिर 6ठा क्लास जो होगा लुकअप फॉर्मूला, जिसमें हम वी लुकअप, मैच, इंडेक्स, एच लुकअप, एक्स लुकअप, फिल्टर, शॉर्ट, मैच इंडेक्स, ऑफसेट मैच एंड लुकअप फॉर्मूले की जिक्र करेंगे। कंप्लीट लुकअप का मेथड इसमें आएगा। 7वें दिन जो आएगा वो आएगा आपका डेटा समराइजेशन फॉर्मूले, जैसे कि सम इफ, सम इफ्स, काउंट इफ, काउंट इफ, एवरेज, मैक्स, लार्ज वगैरह जो फॉर्मूले है, और कुछ पीएमटी, पीवी, ईएमआई कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, जैसे फॉर्मूलेज है वो फॉर्मूलेज कवर करेंगे। अब कितना फॉर्मूलेज कवर करेंगे डिपेंड करेगा कि 1 घंटे में हम कितना पढ़ा पा रहे हैं और आपके कितने क्वेश्चंस हैं, कितना रिपीट करवा रहे हैं। अब हाँ ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे जी, तो टॉपिक कम जाएगी, ठीक है ना, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसे तरीके से पढ़ाएं जो आपके पास क्वेश्चन ना बचे। 8वें दिन जो आएगा वो आएगा डैशबोर्ड विथ फॉर्मूला।
तो हम एक डैशबोर्ड लेंगे जो कि फॉर्मूला से बना हो। ओके, जैसे कि आप बोलेंगे किस तरह का, तो चलिए हम एक एग्जांपल यहां पे बताते हैं। ये रहा, ये आपका दिखा, ठीक है, ये डायनेमिक है, ये सारा का सारा फॉर्मूले से बना है। इसमें फॉर्मूले आप देख सकते हैं, ऊपर बहुत सारे फॉर्मूले लगे हुए हैं, और डेटा है, जी और इस डेटा के अकॉर्डिंग वो अपना रिपोर्ट दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। जी तो आप बोलेंगे सर सेम बताएंगे, देखिए वो डिपेंड करता है कि उस समय में डेटा क्या है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मैं टेप रिकॉर्डिंग की तरह बजते रहता हूँ, लेकिन सिमिलर टेक्स्ट बुक मैं आपको बताऊंगा, सिमिलर। ओके, अब जी सर इसके बाद यहां 8वें दिन आपका होता है एक्सेल खत्म, 8वें दिन आपका एक्सेल खत्म हो जाता है। उसके बाद 9वें दिन हम बात करेंगे पावर बीआई के बारे में। 1 घंटे आप पावर बीआई देंगे, आपको लगे से 1 घंटे पावर बीआई हो जाएगा, नहीं होगा पावर बीआई, लेकिन 1 घंटे में इतना पावर बीआई मैं पढ़ा दूंगा जिससे आप इंटरव्यू में बता सकते हो कि हाँ मुझे पावर बीआई आ सकता है, या कभी पावर बीआई पे थोड़ा बहुत काम हुआ उसको आप कर सकते हैं, या आपके लिए पावर बीआई यूजफुल है या नहीं ये आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक ओके मतलब है, पावर बीआई का जो बेसिक्स रहेगा वो रहेंगे इस पे, मतलब जो हाँ एकदम इंट्रोडक्टरी बेसिक्स, इंट्रोडक्टरी जो बेसिक्स है बेसिस माने और कि मेरे कभी काम आएगा कि नहीं वो भी हम यहाँ से डिसाइड कर डिसाइड कर सकते हैं कि सकते हैं। ये मेरे फील्ड पे काम आ रहा है कि नहीं। जी हाँ, आप इसके बारे में जान लें, क्योंकि इंटरव्यू में मैं देखा है, रिसर्च किया है कि जहां पे डेटा एनालिटिक्स वगैरह या फिर एमआईएस वगैरह की जॉब निकलती है, तो उसमें से 10 में से 6 में पावर बीआई या टैब रूल मांगा जाता है, जी तो ये बेनिफिट रहेगा। 10वें दिन हम बात जी करेंगे, जी वो बात करेंगे डैशबोर्ड विद टैब, डैशबोर्ड टैब, जैसे पावर बीआई है सेम हम टैबलू पे भी सीख, क्योंकि दोनों सिमिलर टॉपिक है, जैसे गूगल शीट और एक्सेल कैसे सिमिलर है, स्प्रेडशीट है, ऐसे ही पावर बीआई और टैबलू दोनों स्प्रेडशीट है। सर इससे पहले आप जो रेफरेंस दिए एक्सेल और किसका रेफरेंस दिए? गूगल शीट, गूगल शीट ओके गूगल। हाँ हाँ ओके हर क्लास लाइव होगी, जैसे क्लास खत्म होगा उस क्लास की रिकॉर्डिंग और इसका फाइल, जिस फाइल पे मैं पढ़ाऊंगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। वो चीजें। सर जैसे ये तो सर ये तो 10 दिन का कोर्स है, तो बीच में ऐसा होता है कि हम लोग तो मैं तो वर्किंग का मतलब प्रोफेशनल हूँ तो समझ लीजिए कभी लेट हो जाता है, तो उसका इसी कैसे सेशन कर को सकते हैं कि समझ लीजिए। मैं इसीलिए सेशन को रिकॉर्ड करता हूं, मैं सेशन रिकॉर्ड क्यों ओके करूं, हाँ रिकॉर्डिंग। आप बोलेंगे सर मैंने एक क्लास छोड़ दी तो मुझे एक क्लास एक्स्ट्रा दे दीजिए, तो ये चीज नहीं कर पाऊंगा सर, ठीक है ना। ओके कोई एक नहीं बंदा भी आ, हाँ मान लीजिए कि 10 बंदे हैं, कोई एक बंदा भी आता है फिर भी क्लास होगा, ऐसा नहीं कि 9 नहीं आए तो ओके नहीं, क्योंकि आप मेरे लिए 9 जितना इंपॉर्टेंट है उतना एक भी इंपॉर्टेंट, इसलिए क्लास उस दिन कंडक्ट होगी। जी सर हाँ, डाउट्स वगैरह है, कुछ समझ में नहीं आया तो टेलीफोनिक सपोर्ट रहेगा, फोन करके मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं, ओके सर ओके ठीक है। मतलब अगर रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग मिल गई उस पे कोई डाउट निकल के आया तो वो थोड़ा सा हैंडहोल्ड कर देंगे उस चीज पे। नहीं तो ढूंढ लेंगे आप, नहीं आपने क्लास मिस कर दिया, ओके मैं आपसे बात नहीं करूंगा, ऐसा थोड़ी बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि नहीं नंबर्स मेरे हाँ जी डायरेक्ट सर नंबर है, ये फोन मैं डायरेक्ट उठाता हूँ, मेरा कोई और नहीं उठाता, मैं वन मैन आर्मी हूँ। ओके तो यहाँ पे बात आती है कि कुछ लोग सोचेंगे कि, या फिर आप ही सोचेंगे कि सर मेरे पास 10 दिन तो टाइम नहीं है, क्या इसकी सारी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? जी हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग्स आप बाय कर सकते हैं मेरे मोबाइल ऐप पे से। मेरा मोबाइल ऐप एक्सेल एम आई एस ट्रेनिंग डाउनलोड करेंगे, उसके स्टोर सेक्शन में जाएंगे, ये रहा कोर्स, ठीक है। अब कहाँ कहाँ से मिलेगा? तो देखिए, एक तो मैं कोई भी वीडियो अगर प्ले करते हैं उस वीडियो में मेरा आईओएस और एंड्रॉयड दोनों का मिल जाता है, या फिर आपके पास एंड्रॉयड है तो एक्सेल एम आई एस ट्रेनिंग सर्च करेंगे, इस तरह के लोगो आएगा, इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, इसके बाद इसके अंदर जो कोर्स आप दिख रहा है, ये कोर्स होगा आप जिसमें 251 प्राइस है, प्राइस भी बड़ा नहीं, टू जस्ट 251 का प्राइस होगा। कंटेंट में जाते हैं तो इसमें आपके कोर्स से भी ज्यादा है, कैसे, कि इसमें आप देखेंगे 17 घंटे की वीडियोज है, कितने हैं 17 घंटे की,
17 घंटे, ठीक है। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं कि इसमें डैश में क्या पड़ गया, इसमें डैशबोर्ड पड़ गया है, इसमें डेट जाहिर है डे 9 डैशबोर्ड है। तो डे 9 के बाद इसमें मैंने पावर बे और टैबलू को हटा दिया है और टावर टैबलू के जगह पे मैंने कई सारे डैशबोर्ड इसके साथ कर दिए है। ये सब डैशबोर्ड है, ठीक है सर? हाँ जी, हाँ जी सर। तो कई सारे डैशबोर्ड इंक्लूड कर दिए है, साथ में इसमें 4 घंटे का वीवीए भी इंक्लूड किया, फास्ट ट्रैक भी फास्ट ट्रैक, ठीक है। ओके, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं, इसकी प्राइस जस्ट 251 रुपीज मिलेगी। 5 साल की वैलिडिटी होगी, सिस्टम और मोबाइल दोनों पे इसको वर्क कर सकते हैं। तो सिस्टम पे कैसे, कितने टाइम के? तो मेरी वेबसाइट iptindia.com के थ्रू सिस्टम पे यूज कर सकते हैं। यहाँ प्ले कोर्स पे क्लिक करेंगे तो मेरा जो ऐप कंसोल लॉग इन करेगा, जहां पे मोबाइल नंबर ओटीपी के जरिए लॉग इन कीजिए, आपको ए वाला पार्ट कंसोल जो है यहाँ जो दिख रहा था, ए कंसोल आ जाएगा। ओके, इसको क्या पांच बार कर सकते हैं ना, इसको मतलब 5 times यूज कर सकते हैं सर? 5 ईयर की वैलिडिटी है, मैंने बताया 5 ईयर की। ओके ओके, कितना बार करेंगे उसकी इसमें लिमिटेशन सेट नहीं है। ओके, ठीक ठीक, यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे क्लास है, क्लास की फाइल, फिर क्लास, क्लास की फाइल, क्लास की फाइल आपको इसके अंदर मिलेगी, क्लास, क्लास की फाइल, क्लास, क्लास की फाइल। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे यहाँ पे है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो दो आपके लिए है, आप इसमें से जो आपके लिए बेटर लगे वो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है।